ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, एमए कर लिया, मगर आप सरकार के भरोसे मत बैठिए कि मुझे नौकरी मिलेगी। नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। पान की दुकान खोल लेना, चाय की दुकान खोल लेना, सब्जी का ठेला लगा लेना, उसको अच्छी तरह से सजा कर एक अच्छा नाम, श्याम्स वेज कॉर्नर और श्याम ढाबा और समथिंग, डू समथिंग ऑफ योर ओन, बट डोंट लुक फॉर ओनली फॉर जॉब्स। इस देश की बड़ी विडंबना है कि हर व्यक्ति जो पढ़ लेता है, डिग्री कर लेता है कॉलेज से, उसको लगता है कि मैंने तो सरकार के ऊपर बहुत एहसान कर दिया, और सरकार के ऊपर एहसान कर दिया अभी उसकी जिम्मेदारी है, और मुझे वो नौकरी दे और नहीं मिलती है तो मैं सरकार के माथे पर ठीकरा फोड़कर अपनी बेरोजगारी का और नाकारा घर में बैठूंगा और मां बाप के सर पर बोझ बनूंगा। इस चीज की जरूरत नहीं है दोस्त। इस डिप्रेसिंग सिचुएशन में जाने की जरूरत आपको कतई नहीं है। कुछ भी स्टार्ट कर लीजिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये मैसेज मैं देना चाहूंगा, खासकर बीटेक वाले बहुत सारे बच्चे हैं। साउथ इंडिया में तो हर घर के अंदर एक इंजीनियर जरूर होता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी ये ट्रेंड पिछले 8-10 सालों में हो गया। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, बीसीए, बीबीए, एमसीए, एमबीए के बच्चे बीटेक करके घूम रहे हैं, खाली घूम रहे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली, बैंक पीओ के अंदर एग्जाम भरे, अब वो बैंकिंग की जो जॉब्स हैं वो भी अब खत्म हो गई हैं। गवर्नमेंट ने वो बैंक की जो वैकेंसी थी वो बंद कर दी है। अब क्या, तो क्या अब आप इंतजार करेंगे एक नई वैकेंसीज की लहर की? नो दोस्त, नो। आप कुछ भी स्टार्ट करो, ट्यूशन सेंटर स्टार्ट कर दो, अपना फोटोग्राफी का इंस्टीट्यूट शुरू कर दो, कोई भी काम छोटा नहीं होता। सबसे अहम है खाली वक्त में अपने आप को, अपने दिमाग को जंग ना लगने देना। आपका ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको दिया गया है, इसको स्किल्स दे देकर इसको शार्प करते रहिए।